नमस्कार जोहार, झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड कांग्रेस के विधायक समेत 5 आरोपी 10 दिनों की हिरासत में भेजे गए। झारखंड कांग्रेस के तीनों विधायक समेत 5 आरोपियों को 10 दिनों की हिरासत में भेजा गया। हावड़ा कोर्ट ने इस मामले की जांच कर जिम्मा सीआईडी को सौंपा। इन आरोपियों में जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, खिजरी विधायक राजेश कश्यप, कोलबिरा विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी, कुमार प्रतीक और चंदन कुमार शामिल हैं। झारखंड में पुरानी पेंशन का लाभ लेने के लिए देना होगा शपथ पत्र। राज्य में पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी की शर्तें मानने के लिए शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र में यह उल्लेख करना होगा कि कर्मी किसी प्रकार के अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से नहीं करेंगे। वित्त विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी की है। हेमंत सरकार इसका प्रारूप जल्द तैयार करेगी। झारखंड में वापस सत्ता में आएगी बीजेपी, क्या गिर जाएगी हेमंत सरकार? पश्चिम बंगाल में झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों के पास से 48 लाख रुपए बरामद होने के बाद सियासी तूफान आ गया है। कांग्रेस का आरोप है कि यह बीजेपी का लोटस का एक हिस्सा था। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि बीजेपी लंबे अरसे से हेमंत सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में भी महाराष्ट्र की सियासी घटनाक्रम को दोहराने की साजिश थी, जिनकी समय से पहले पोल खुल गई। साड़ियां खरीदने के लिए थे पैसे, बंगाल में नकदी के साथ पकड़े गए कांग्रेस विधायक का दावा। पश्चिम बंगाल हावड़ा में एक कार में 39 लाख नकदी के साथ पकड़े गए झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों ने दावा किया है कि वे पैसे साड़ियां खरीदने के लिए लेकर जा रहे थे, जो एक आदिवासी फेस्टिवल में बांटी जाती। बकौल पुलिस विधायकों का कहना है कि उन्होंने कोलकाता की बड़ा बाजार थोक मार्केट से साड़ियां खरीदने की योजना बनाई थी। हो जाइए सावधान, साइबर क्रिमिनल्स ने बिजली बिल जमा करने के नाम पर पदाधिकारी से ठगी, करीब 2 लाख रुपए उड़ाए। साइबर क्रिमिनल्स ने ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने के नाम पर शिक्षा अधिकारी और उनकी पत्नी को निशाना बनाया। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर साइबर क्रिमिनल्स ने उन्हें अपने झांसे में लिया और फिर उनके खाते से 1,72,792 रुपये निकाल लिए। इस मामले में पीड़िता ने रांची के अरगोड़ा थाना में शिकायत दर्ज कराई है। सभी विश्वविद्यालय सहित उच्च शिक्षण संस्थान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए एसओपी जारी। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सभी विश्वविद्यालय कॉलेजों सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में एक समान मानक तय करने के उद्देश्य से केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर यूजीसी ने एसओपी जारी किया है। इस बाबत सभी कुलपति, प्राचार्य और निदेशकों को पत्र भेजा गया है। यूजीसी ने कहा है कि सभी संस्थानों में सुबह 9 बजे के बाद ही ध्वजारोहण होगा। ध्वजारोहण कार्यक्रम में सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों, अधिकारियों व कर्मचारियों को शामिल होना है। रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन और मकान के सरकारी दर में 5 से 10% की बढ़ोतरी जाने कब से लागू होगा? रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन, फ्लैट व मकान के सरकारी दर में वृद्धि की गई है। यह वृद्धि 1 अगस्त से प्रभावी होगी। खाली जमीन की सरकार दर में 5% से लेकर 10% तो फ्लैट की दर में 10% की वृद्धि की है। 1 अगस्त से बढ़ी हुई दर पर ही रजिस्ट्री होगी। डीसी राहुल कुमार सिन्हा के अनुमोदन के बाद नई दर प्रभावी हो गई है। शनिवार को ग्रामीण क्षेत्र के जमीन की रजिस्ट्री पुरानी दर पर ही हुई, इस कारण रजिस्ट्री ऑफिस में भीड़ लगी रही। मालूम हो कि दर को साल पर ग्रामीण क्षेत्र की जमीन एवं फ्लैट की सरकारी दर में वृद्धि की जाती है। पूर्व में 1 अगस्त 2020 को सरकारी दर में वृद्धि की गई थी। 2 वर्ष पूरे होने के बाद नई दर लागू की गई है। लातेहार में अचानक आई बाढ़, नदी में बहने लगे 5 स्टूडेंट, यूं बची जान।
झारखंड के लातेहार जिले के बरियातू प्रखंड के बालूभांगा गांव में शुक्रवार शाम उस समय कोहराम मच गया जब अमानत नदी में अचानक बाढ़ आ गई और इसमें 5 छात्र छात्राएं बहने लगे। सभी अपने स्कूल से लौटते वक्त नदी पार कर रहे थे कि बाढ़ में उन्हें बहते देख एक चरवाहा शोर मचाने लगा। चरवाही की आवाज़ सुनकर पास के तैराक युवकों ने बहते विद्यार्थी को पानी से बाहर निकाला। संथाल परगना को सुखाड़ घोषित करने की मांग। झारखंड सरकार से संथाल परगना को सुखाड़ घोषित करने की मांग की गई है। सिद्धू कानू मुर्मू सामाजिक संगठन के बैनर तले गोभी कांदर प्रखंड के खरौनी बाजार पंचायत के अंतर्गत नामोडी गांव में बैठक हुई जिसमें नामोडी दुदुआ अरिचुआ दारांग खरौनी आदि गाँव में ग्रामीणों ने भाग लिया। बैठक में सुखाड़ को लेकर विस्तृत चर्चा किया गया। मंच और ग्रामीणों ने झारखंड सरकार से पूरे संथाल परगना को सुखाड़ घोषित करने की मांग की। सुखाड़ काल से प्रत्येक व्यक्ति को पीडीएस दुकान में 10 किलो अतिरिक्त अनाज भी दिया जाए क्योंकि पूरे संथाल परगना में सुखाड़ है। तीसरी सोमवारी को ड्यूटी में लगाए गए 650 अतिरिक्त पुलिसकर्मी। सरावनी मेले की तीसरी सोमवारी में 2.5 लाख कांवरिया का बाबा नगरी पहुँचने की उम्मीद है। इसको देखते हुए पुलिसकर्मियों को सतर्क व मुस्तैद रहने को कहा गया है। तीसरी सोमवारी को 650 अतिरिक्त पुलिस बलों को ड्यूटी पर लगाया गया है। संथाल परगना के DIG सुदर्शन प्रसाद मंडल के अलावा DIG ए विजयालक्ष्मी भी देवघर पहुंच चुकी है। पदाधिकारियों ने व्यवस्था की जानकारी ली है। SP सुभाष चंद्र जाट ने शनिवार को पुलिस कर्मियों को ड्यूटी की जानकारी दी। बताया कि रविवार व सोमवार को सभी को 8 घंटे की जगह 12 घंटे तक ड्यूटी करना होगा। वहीं इसके लिए गठित 32 QRP को मुस्तैद रहने की हिदायत दी है। SP ने OP, TOP व QRT टीम से कहा है कि रविवार व सोमवार को सभी को अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से करना है। पिछले सोमवार को कमियों वाले पॉइंट को चिन्हित कर दूर करने को कहा है। झारखंड में वज्रपात से 11 लोगों की मौत। आकाशीय बिजली के दौरान बरते सावधानी। झारखंड में मानसून के दस्तक देने के बाद कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है। वहीं बारिश के बीच कई जगहों पर वज्रपात भी हो रही है जिसमें आए दिन लोगों की मौत और जान माल की क्षति की खबर सामने आ रही है। बीते दिन राज्य में वज्रपात से 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग इससे घायल हो गए हैं। वज्रपात का सबसे अधिक असर झारखंड की राजधानी रांची को देखने को मिला। रांची में वज्रपात से 4 लोगों की मौत हुई। वहीं गढ़वा और हजारीबाग में 2-2 और लोहरदगा खरसवा और गुमला में 1-1 व्यक्ति की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हो गई। लाखों किसानों को मिलेगा लाभ। इन खाते में आएंगे 12वीं किस्त के 2000 रुपये। रजिस्ट्रेशन नंबर पर बड़ी अपडेट। PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए बेहद जरूरी खबर है। दरअसल किसानों द्वारा EKYC का कार्य पूरा नहीं किया गया तो जल्द से जल्द पूरा कर लें। कल KYC करने की अंतिम तिथि थी। KYC नहीं होने की स्थिति में 12वीं किस्त किसानों के खाते में नहीं भेजी जाएगी। बता दें सरकार द्वारा लगातार किसानों की सुविधा को देखते हुए EKYC की तिथि को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया था। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। शिक्षकों को दी बड़ी राहत। 1996 से बढ़े हुए पे स्केल देने का आदेश। हिमाचल हाई कोर्ट ने एक स्कूल के कर्मचारी के पे स्केल से जुड़े एक मामले पर अहम फैसला सुनाया। हिमाचल हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को 8 सप्ताह में शास्त्री शिक्षकों को वर्ष 1996 से बढ़े हुए पे स्केल देने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने पहले शास्त्री शिक्षकों को 5,480 से 8,925 रुपये का पे स्केल दिए जाने का हकदार माना है। याचिकाकर्ता को बढ़े हुए पे स्केल का लाभ न दिया जाना संविधान के विपरीत है। 100 अंकों की परीक्षा वाले विषय में स्नातक के छात्र को बिहार में मिले 151 अंक। बिहार के दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने BA ऑनर्स के एक छात्र को राजनीति शास्त्र के 100 अंकों के पेपर में 151 अंक दे दिए गए। छात्र ने कहा, मैं रिजल्ट देखकर हैरान था। यह प्रोविजनल मार्कशीट थी लेकिन इस पर ध्यान देना चाहिए था। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद ने कहा कि यह टाइपिंग मिस्टेक थी और छात्र को नई मार्कशीट दी गई है। वह मेरे पैसे नहीं है। अर्पिता के फ्लैट से जब्त नकदी पर गिरफ्तार पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी ने अपने सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से भारी मात्रा में जब्त की गई नकदी पर रविवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, जब समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा वह पैसा मेरे नहीं है। गौरतलब है चटर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ED ने 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था।
बूस्टर डोज लगवाने वाले को चंडीगढ़ के दुकानदार ने की मुफ्त छोले भटूरे खिलाने की पेशकश। चंडीगढ़ में एक दुकानदार ने कोविड 19 वैक्सीन की तीसरी खुराक लगवाने के बाद उसी दिन सर्टिफिकेट दिखाने वाले को मुफ्त छोले भटूरे खिलाने की पेशकश की। दुकानदार संजय राणा के अनुसार वह टीकाकरण की धीमी रफ्तार से चिंतित है। पिछले साल भी उन्होंने वैक्सीन लगवाने वाले को मुफ्त छोले भटूरे खिलाए थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने उनकी प्रशंसा की थी। 19 वर्षीय वेटलिफ्टर जेरेमी ने CWG 2022 में जीता भारत का दूसरा स्वर्ण बनाया रिकॉर्ड। भारत के 19 वर्षीय वेटलिफ्टर जेरेमी लाल निरुंग ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के 67 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। जेरेमी ने 300 किलोग्राम स्केच में, 140 किलोग्राम और क्लीन एजेंट में जर्क में 160 किलोग्राम भार उठाकर CWD रिकॉर्ड बनाया। भारत अब CWD 2022 में 2 स्वर्ण जीत चुका है। मीराबाई चानू ने शनिवार को भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, 2 से 15 अगस्त तक सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर लगाएं तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को देशवासियों से आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 2 से 15 अगस्त तक सोशल मीडिया पर प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, 2 अगस्त को हमारे तिरंगे से एक विशेष संबंध भी है। इसी दिन पिंगली वेंकैया की जन्म जयंती होती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा, ईडी रेड पर संजय राउत। 1034 करोड़ के पात्राचाल जमीन घोटाले केस में शिवसेना सांसद संजय राउत ने पूछताछ व तलाशी के लिए रविवार सुबह ईडी की एक टीम ने उनके महाराष्ट्र के मुंबई स्थित आवास पर पहुंची। राउत ने कहा, मेरा किसी घोटाले में कोई लेना देना नहीं, झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा पर मर जाऊंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा। बकौल राउत, महाराष्ट्र और शिवसेना लड़ते रहेंगे। महंगाई व बेरोजगारी को लेकर 5 अगस्त को प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, पीएम आवास का करेगी घेराव। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने शनिवार को एक बयान में बताया कि बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ पार्टी 5 अगस्त को बड़े पैमाने पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। इन दिन दिल्ली में पार्टी के सांसद चलो राष्ट्रपति भवन की शुरुआत संसद से करेगी। पार्टी ने ऐलान किया है कि विरोध के तौर पर प्रधानमंत्री आवास का भी घेराव किया जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।